वर्षों की संपूर्ति पर पूज्य पंडित जी की अभ्यर्थना में विशेष रूप से सम्मिलित होने के लिए हमारी सभी गतिविधियों की प्रेरणा स्वरूप और शक्ति स्वरूप श्रीमती सरला देवी बिरला से हमने निवेदन किया था। उन्होंने स्वीकृति तो दी नहीं, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि अस्वीकार करते नहीं बना। गंगा का जल बहता हुआ हमें हम सबको दिखाई देता है, लेकिन उसका उद्गम स्थान कहाँ है जल्दी इसका पता नहीं है। वह आम आदमी की दृष्टि में नहीं आता। अधिक न कहकर मैं आदरणीय श्रीमती सरला जी देवी से निवेदन करता हूँ कि इस अवसर पर कुछ अपने उद्गार प्रकाशित करें, वाणी प्रदान करें। श्रीमती सरला देवी प्रणाम। संगीत कला मंदिर के मानस प्रेमी, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामति मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भगवान राघवेंद्र की यह अहेतुकी अनुकंपा है कि हम गत 30 वर्षों से मानस प्रवचन का सफलतापूर्वक अनुष्ठान कर रहे हैं। 30 वर्ष का समय संस्था के लिए बहुत नहीं होता, पर व्यक्ति के लिए निस्संदेह उसका बहुत महत्व है। 30 वर्ष यानी जो यहाँ 25-30 वर्ष की आयु में पूर्ण यौवनावस्था में मानस श्रवण के लिए आए थे, वे आज 60 वर्ष के आसपास प्रौढ़ हो रहे हैं। आश्चर्य है, एक ही कथा मानस कथा, वक्ता भी वही और अनेक श्रोता भी वही। इसका अधिकांश श्रेय तो मानस को है जो अथाह रत्नाकर है, रत्नों की अक्षय निधि है। उसके बाद सबसे अधिक श्रेय और महिमा के अधिकारी तो हमारे पंडित जी हैं, जो प्रतिवर्ष नित नूतन कथा से मुक्तामणि लुटाते हुए थके ही नहीं है। श्रोताओं की रसमर्मज्ञता, सहृदयता और भावुकता को भी कम श्रेय नहीं है। पर है यह महत आश्चर्य, पूज्य पंडित जी का पांडित्य, उनकी आत्मीयता, उनका स्नेह सौजन्य, उनकी भक्ति सिक्त व्याख्या संगीत कला मंदिर के लिए एक वरदान रही है। इस अभ्यर्थना के समय मैं आप सब की ओर से पूज्य पंडित जी के पाद पद्मों में अपनी विनम्र प्रणामांजलि निवेदित करती हुई अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। भारतीय संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म, पुराण, काव्य, मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र सभी को एक साथ दिखाने वाले भारत में दो ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, महर्षि वाल्मीकि की रामायण और महर्षि वेदव्यास का महाभारत। ये संपूर्ण भारत ही है। भारत की साधना, आराधना, भारत की आत्मा एवं भारत की समग्र सवाक अभिव्यक्ति। भगवान राम की उसी पावन गाथा को भक्त प्रवर महाकवि तुलसीदास जी ने लोक भाषा अवधि में मानस के रूप से इस प्रकार अवतरित की है कि घर घर में, खेत खलिहान में नाना पुराण निगमागम सभी उतर आए हैं। तुलसीदास जी ने एक मधुकर की तरह भारतीय संस्कृति के पुष्पों से मधु लेकर जिस मधुचक्र का निर्माण किया, वह कालजयी युग युग व्यापिनी अमर रचना है, जिसका रसास्वादन करते हुए भावुक हृदय कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जिन जाना नहीं। मानस की एक एक चौपाई हमारे जीवन के लिए एक प्रकाश दीप है, एक मणि दीप है, जिसका प्रकाश हमारे अंतर्बाह्य को, भीतर बाहर को, लौकिक आध्यात्मिक जीवन को आलोकित कर रहा है। यह कोरी कविता नहीं है, यह तो चिन्मयी सुर सरिता है जो निरंतर स्वच्छ प्रवाहित होकर हमारे जीवन को उल्लसित, पुलकित, प्रमुदित एवं सार्थक बना रही है। पूज्य श्री काको जी के दो भाषणों का कैसे लोकार्पण करने का आपने जो मुझे स्नेह भरा गौरव दिया है, उसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। पूज्य श्री काको जी सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी थे। जिस क्षेत्र में उन्होंने कदम उठाया उसे कीर्तिमय बनाया। मूल में वे एक अनासक्त कर्मयोगी थे। जीवन के प्रति एक तटस्थ वेदांती का दृष्टिकोण था। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, राजर्षि की तरह एक वैश्य परिवार के स्वधर्म का पालन करते हुए वे वैश्यर्षि थे। इसी बिंदु पर उनके सभी कार्यकलापों का
सही मूल्यांकन हो सकता है। कैसेट में अंकित एक भाषण है जो उन्होंने इसी मानस प्रवचन की 25वीं वर्ष संध्या पर दिया था और दूसरा है बापू पर। पूज्य काको जी का एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक पुत्र का पिता के प्रति सहज उद्गार, जिसे संगीत कला मंदिर के वर्षों के आग्रह के बाद संकोच से उन्होंने स्वीकृति दी थी। संगीत कला मंदिर के इस मानस महायज्ञ में सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी आहुतियां दी हैं, पर पूर्णाहुति तो श्री बिनानी जी की ही होती है। इस शुभ मंगल कल्याणकारी काम के लिए वे बधाई के पात्र हैं। आज हम सब उनके अभ्युदय के लिए प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना है यह मानस का प्रवाह भारत में संगीत कला मंदिर में अजस्र प्रवाहित होता रहे और इसी प्रकार मानस के अनुरागी रससिक्त होते रहे, अपने जीवन को धन्य एवं कृतकृत्य बनाते रहे। मैं फिर पूज्य पंडित जी को आप सबकी तरफ से प्रणाम करती हूँ। आपको जी के कैसेट का जो चित्र अभी श्रीमती सरला ने किया, वह कैसेट तैयार है। और क्योंकि महाराज जी के कार्यक्रम में 5 वर्ष पहले जब सिल्वर जुबली हमने मनाई थी इसी कार्यक्रम की, उसी में ऐसा भाषण था, वह अपने आप में इतना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बन गया। क्योंकि इसके तुरंत बाद ही वो यहाँ से गए और उसी 4 महीने बाद उनका शरीर शांत हुआ। तो ये अमर चीज़ रह गई और बहुत लोगों के सुझाव से, बहुत लोगों के अनुरोध पर इसके कैसेट बनाए गए और वह आज हमारे पूज्य पंडित जी महाराज के हाथों से उसका लोकार्पण हो रहा है। और मैं निवेदन करता हूँ कि प्रथम कैसेट उन्हीं की पुत्रवधु श्रीमती सरला देवी जी को पंडित जी के कर कमलों से हाथ आ पंडित जी अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। उसमें उपस्थित है, वही बैठ
लेकर ये कथा कही जा रही है। और वक्ता के रूप में आप भले ही मुझे देखते रहे हो और मुझे निरंतर इसका अनुभव होता रहा है, यही सत्य भी है कि वास्तविक वक्ता तो प्रभु ही है। इसी भाव में श्रोताओं के हृदय में भी वे विराजमान है, स्वयं में वक्ता है और स्वयं में श्रोता है। इसी भाव स्थिति में हम लोग उस समय के लिए कदाकार होने की चेष्टा करें। संगीत कला मंदिर के
तत्वावधान में आयोजित यह 9 दिवसीय कार्यक्रम आज समापन की दिशा में बढ़ रहा है। यह आयोजन का 3वां वर्ष था और इन वर्षों की संख्या की स्मृति आनंद तो देती है, किंतु सत्य तो यह है कि जब भगवान के गुणों की अनंतता पर दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि 30 वर्षों की अवधि तो अत्यंत छोटी है। अनगिनत वर्षों से श्री राम कथा चल रही है, चलती रहेगी, फिर भी श्री राम के गुणों का वर्णन कर पाना, उसे समाप्त कर पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। पर व्यवहारिक अर्थों में यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस संदर्भ में आज जब सौगंधमयी श्रीमती सरला जी बिरला ने अभ्यर्थना की तो 25वें वर्ष की स्मृति मेरे मनस्चक्षु के सामने साकार हुई। विश्व महेश्वरषि श्री घनश्याम दास जी बिरला विद्यमान थे और उन्होंने रामकथा के संदर्भ में बड़ा उद्बोधक भाषण दिया था। अभी आप उसका एक किंचित अंश कैसेट पर सुन रहे थे और यह परम संतोष और आनंद की बात है कि उन्हें की स्थापित की भी ये परंपरा क्रमशः पल्लवित, पुष्पित और फलित हो रही है और श्री वसंत कुमार जी बिरला और श्रीमती सरला जी बिरला में दोनों बिरला दंपति उनकी परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। उनके श्रद्धा और सौजन्य की प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम है। 30 वर्षों में उनके स्नेह सद्भाव का मुझे अनुभव होता रहा है और उसमें निरंतर वृद्धि हुई है, तो मैं उनके परिवार के प्रति मंगल कामना और आशीर्वाद देता हूं। इस संदर्भ में इस संस्था के जो अधिकारी दोनों संस्थाओं के हैं, श्री हीरालाल जी सोमाणी, श्री राजेंद्र जी लोढ़ा, श्री नारायण प्रसाद जी गोयनका और रामलाल जी बिंदानी, इनका इस रूप में मैं स्मरण करता हूं। कोठारी जी का मेरे प्रति बड़ा ही स्नेह रहा है और इसके साथ साथ ऐसे भी कुछ नाम है हमारे श्री चित्रकांत मंत्री जी जो बड़े उत्साही है और उस परंपरा को अग्रसर कर रहे हैं, उनका भी मैं स्मरण करता हूं। हमारे स्नेही कथा संघ के लिए दिल्ली से भी आए हैं श्री विजय शंकर जी बाजोरिया, मोहनपुर से हमारे श्री वल्लभ दास जी और ऐसे अनेक महानुभाव हैं कि जिनसे परिचित मैं नहीं हूं, तो इस कथा प्रसंग में भाग लेते रहे। परसों अचानक मेरे मन में एक बात आई कि वक्ता के नाते 30 वर्षों के संदर्भ में मेरी अभ्यर्थना की जा रही है, लेकिन ऐसे श्रोता के विषय में भी पता लगाना चाहिए और उस श्रोता की भी अभ्यर्थना की जानी चाहिए जिसने 30 वर्षों तक निरंतर सुना। वक्ता को सुनाना तो उसकी बाध्यता है, पर 30 वर्ष तक निरंतर श्रवण का अवसर मिला हो, कोई विघ्न न उपस्थित हुआ हो, तो मैं मेरे मन में एक क्षण के लिए आया कि मैं पूछूं, पर अचानक जैसे दिया तले अंधेरा की बात है याद आई कि इस नाते
30 वर्षों के श्रोता के रूप में यदि अभ्यर्थना की जाए तो श्री रमण लाल जी गुरनानी की जानी चाहिए, क्योंकि 30 वर्षों से अगर किसी ने पूरे आयोजन में प्रतिदिन श्रवण किया है बिना किसी विघ्न किसी बाधा के, तो वे हैं। उन्होंने मेरे प्रति बड़े भावपूर्ण उद्गार प्रकट किए हैं। पर वक्ता जब तक श्रोता सहयोग न दे तब तक वक्ता के अंतर हृदय का जो सत्य है अभिव्यक्त नहीं होता। और फिर ये तो कुछ नाम मैंने स्मरण किए, पर आप लोग जो इतने वर्षों से इतनी बड़ी संख्या में आए आते रहे हैं, आपके सुनने की जो लालसा है जो कभी कम नहीं हुई, का वो आप सब श्रोता मेरे लिए वंदनीय है। और इस अवसर पर जब मेरी अभ्यर्थना की जा रही है तो मैं सभी महानुभावों का और सभी देवियों की अभ्यर्थना करता हूं जिन्होंने श्री राम कथा में इतना रस पाया है। आइए, इस वर्ष जो प्रसंग लिया गया था संक्षेप में उस पर एक दृष्टि डालें। यद्यपि शायद इतने वर्षों में सबसे संक्षिप्त प्रसंग इसी बार चुना गया था जब केवल एक दोहे को केंद्र बना करके व्याख्या की गई, पर सचमुच और ये संयोग विलक्षण संयोग था, ये जानबूझ करके नहीं हुआ कि तीसवें वर्ष में जो प्रसंग चुना गया वो भी कथा की महिमा से ही संबंधित था। तो शायद इस वर्ष के लिए इससे अधिक कोई उपयुक्त प्रसंग नहीं हो सकता था, पर मेरी जो बाध्यता है, मेरी गति बड़ी धीमे चलने की है, बहुत मंथर गति से मैं चलता हूं, तो मैं तो यही अनुभव कर रहा हूं कि शायद इस दोहे की भी व्याख्या पूरा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। तो ये राम कथा की अनंतता है। हमारे पिताजी एक कविता कहा करते थे कि किसी कवि ने कल्पना की कि श्री राम के गुणों का गायन करने के लिए किसे निमंत्रित किया जाए, तो ऐसा लगा कि सबसे अधिक सिर जो है वो तो शेष जी के हैं, और वे हजार मुख वाले हैं तो उन्हीं को आमंत्रित किया जाए। तो उसकी कल्पना बढ़ती गई और कल्पना करते हुए उन्होंने कवि ने कहा कि वैकह कोटि शेष और शेष शेष प्रति कोटि शीश, हजार सिर वाले शेष के एक एक सिर पर करोड़ करोड़ सिर और रख दी जाए। वैकह कोटि शेष 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 प्रति कोटि शीश और प्रति शीश कोटि कोटि मुख प्रगटावेंगे और प्रति मुख कोटि कोटि रसना धरावे फेर प्रति रसना पर कोटि भारती बसावेंगे और कलप निरंतर अनंतर अनंत होगी जन्म है अनंत जो अनंत गुण गावेंगे रसिक बिहारी सीता रामचंद्र जू के तु चरित अपार को नेक उपार पावेंगे। सचमुच भगवान का ये जो अद्भुत गुण है वो अनंत है और ये मेरे लिए काव्य का सत्य नहीं है, एक अनुभूति का सत्य है। और अपने आप की यंत्रता को मैं वाणी के माध्यम से नहीं अनुभूति के माध्यम से कहता हूं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने एक इतने साधारण व्यक्ति को अपने कथा का माध्यम चुना और उन्होंने जो गौरव प्रदान किया वो उनकी कृपा कहीं पर जाए। संक्षेप में इस दोहे के अंतिम शब्द पर आज विचार करें। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से इसे सुन रहे होंगे। गोस्वामी जी ने चित्रकूट के निर्माण के लिए अंतर जीवन में चित्रकूट का कैसे निर्माण हो उसकी प्रक्रिया का वर्णन इस दोहे में किया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट में पर्वत है और चित्रकूट में बल है।
गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रोता के हृदय में भी यदि ये तीनों एकत्र हो जाए तो जैसे चित्रकूट में श्री सीता जी और श्री राम विहार करते हैं, इसी प्रकार से उस श्रोता के मन में भी, अंतःकरण में भी श्री सीता जी और श्री राम का विहार होने लगेगा। और तब उन्होंने ये कहा कि राम कथा जो है वही मंदाकिनी और अचल चित्त जो है वो चित्रकूट है और ईश्वर जो है वही बल है। चित्त की अचलता, हृदय का स्नेह और एकाग्रता और तन्मयता से जब कथा श्रवण किया जाता है तो गोस्वामी जी की दृष्टि में उस समय हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय के चित्रकूट में भगवान राम और श्री सीता जी का विहार होता है। तो चित्रकूट चित्त चारों की चर्चा पिछले दो तीन दिनों से चलती रही है। आइए सुभग स्नेह बल पर भी एक दृष्टि डालें। श्री भरत अयोध्या से अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट की यात्रा करते और चित्रकूट की इस यात्रा में वे उस वन में प्रवेश करते हैं जिस वन में भगवान श्री राघवेंद्र का निवास स्थान है। ये वन क्या है, गोस्वामी जी ने कहा और उन्होंने एक अलग प्रसंग में एक संकेत किया। उन्होंने वाटिका, बाग और वन तीन शब्दों को चुना। वाटिका का अर्थ आप जानते ही हैं, जहां फूल खिलते हैं, फूल खिलाए जाते हैं, तो वो संक्षिप्त रूप से वाटिका है। और बाग का अर्थ यह है कि जहां पर केवल पुष्प ही नहीं खिले हुए हैं, अभी तो जहां पर अन्य वृक्ष भी है, और वो वाटिका की अपेक्षा बाग जो है वो विशाल है और बाग की अपेक्षा भी वन जो है वो और विशाल है, क्योंकि वाटिका और बाग में तो प्रयत्न करना पड़ता है। वाटिका की रक्षा के लिए तो बड़ी सावधानी की अपेक्षा है, बाग की सुरक्षा के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु जब वो वन के रूप में परिवर्तित हो गया तो वाटिका और बाग की तरह की समस्याएं वन के समक्ष नहीं। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि यही तीन क्रम स्नेह के तीन क्रम है और उन्होंने जो दोहा लिखा वह पुलक वाटिका बाग वन सुख सुविहंग विहार माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। और उसका अभिप्राय यह है कि वाटिका और बाग तब है जब साधना के द्वारा प्रेम को पाने का प्रयास किया जा रहा है और वन के रूप में प्रेम तब है कि जब वो प्रेम ऐसा अंतःकरण में व्याप्त हो गया कि उसके लिए किसी प्रयत्न या साधना की आवश्यकता नहीं। अब इस सूत्र को गोस्वामी जी ने बड़े सांकेतिक रूप में प्रकट किया। तो वाटिका बाग और वन का एक पक्ष दूसरा भी है। वन के रूप में चित्रकूट के बाद भगवान राम दंडकारण्य में गए तो वन है और जब लंका में हनुमान जी जाते हैं तो जिस स्थान में श्री सीता जी है उसके लिए गोस्वामी जी ने उपवन शब्द का भी प्रयोग किया है, वाटिका शब्द का भी प्रयोग किया है और वाग शब्द का भी प्रयोग किया है। चले उनाई सुर पैथ्यू बागा या तह अशोक उपवन जह आई या नाथ एक आवा कभी भारी ती अशोक वाटिका उजारी। इन दोनों पर दृष्टि डालिए। वाटिका बाग और वन का एक पक्ष वह है जहां पर दुख और दुर्भाग्य की सृष्टि होती है, यह है दंडकारण्य और अशोक वाटिका, या अशोक उपवन कह लीजिए या अशोक वाटिका कह लीजिए या अशोक बाग कह लीजिए। इसका अभिप्राय यह है कि अंतःकरण के
अंतःकरण तो या तो वाटिका के समान होगा या बाघ के समान होगा या वन के समान होगा। तो संशय तो बने, संशय बन के पश्चात भ्रम जो है कहिए मानो बाघ है, और फिर अंत में वाटिका जो है कब वो मोह। मोह भ्रम और संशय अंतःकरण की एक स्थिति है, एक पक्ष ही है। और अंतःकरण का दूसरा पक्ष है जहां पर भगवान राम और श्री सीता जी निवास करते हैं, जो बाघ जो वाटिका या जो वन उन्हें बड़ा प्रिय है, उन तीनों पर भी एक दृष्टि डाल ले। उसका अभिप्राय है कि संशय मोह और भ्रम उनका जब अंतःकरण में उदय होता है, तो जैसे दंडकारण्य में श्री सीता जी से श्री राम का वियोग होता है, श्री सीता जी श्री राम से दूर दूर चली जाती है, जैसे स्वर्ण मृत को देख करके उन्हें भ्रम होता है, श्री राम को विलाप करते देखते देखते हुए सती जी को भ्रम होता है, एक स्थिति है। और अंत में ये सीता जी बंदिनी बना करके लंका में ले जाई जाती है। और उसका अभिप्राय ये है कि ऐसा कोई अंतःकरण नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जहां पर जनक नंदिनी सीता विद्यमान न हो। पर जनक नंदिनी सीता विद्यमान है या तो दंडकारण्य और अशोक वाटिका या अशोक बाग में, पर वहां उनकी स्थिति क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, जब पूछा गया कि इस वाटिका का नाम तो बड़ा सुंदर है, ये जितने दोनों पक्ष हैं, ये जिन वाटिका बागों का नाम लिया गया उसमें सबसे साहित्यिक नाम जो है वो तो रावण वाली वाटिका का ही, और ये व्यंग है तुलसीदास का। पूछा गया, महाराज जी इतना बढ़िया नाम तो आपने जनक की वाटिका का भी नहीं लिखा, ये तो बहुत विलक्षण वाटिका है जिसका नाम ही अशोक है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ, नाम तो अशोक है, पर तो इस अशोक वाटिका का जरा देख लीजिए दृश्य भी, क्या वे तह अशोक उपवन जह आई सीता बैठ शो करता है। ये वो अशोक वाटिका है जहां पर सीता जी शोक में आंसू बहा रहे, जहां राक्षसियों से गिरी हुई है, जहां वो डराई जा रही। और उसका अभिप्राय ये है कि अगर हम अपने अंतःकरण में भक्ति देवी को रावण के समान बंदिनी बनाना चाहेंगे, कपट छल के द्वारा उन्हें जीवन में लाना चाहेंगे, तो भले ही ऐसा लगे कि सीता जी विद्यमान है, पर वहां वे दुर्वृत्तियों से घिरी हुई, राक्षसियों से घिरी हुई सुभाती है, वहां दुख और शोक का वातावरण। और ये स्वयं रावण के लिए प्रारंभ में तो ये बड़े सफलता की बात जान पड़ती है, क्यों सीता जी को लाने में समर्थ हुआ। लेकिन सीता जी को लाना रावण के लिए बड़ा महंगा पड़ा, और महंगा इसलिए पड़ा, सीता जी कौन है तो मंदोदरी और विभीषण ने का सीता जी की तुलना काल रात्रि से या अमावस्या के रात्रि से, काल रात्रि निश्चल कुल के लिए। तो सीता जी अमावस्या की रात्रि है कि पूर्णिमा की रात्रि है? और इसका उत्तर क्या, कौन रात्रि अमावस्या की रात्रि है और कौन रात्रि पूर्णिमा की रात्रि है, इसका निर्णय तो एक ही वस्तु के द्वारा होता है। अगर आकाश में पूर्ण चंद्रमा है तो पूर्णिमा है, और आकाश में अगर चंद्रमा का पूरी तरह अभाव है तो अमावस्या है। तो लंका में सीता जी अंधेरी रात है, और अयोध्या जनकपुर और चित्रकूट में वो पूर्णिमा की रात है। क्यों बोले, जब तक सीता जी रामचंद्र से जुड़ी हुई है तब तक पूर्णिमा की रात्रि है, और जब रामचंद्र से उन्हें दूर कर दिया जाएगा तो अंधेरी रात्रि बन जाएगी। इसलिए एक पक्ष जिन्होंने अंतःकरण से ईश्वर को दूर कर दिया है और केवल जीवन में शक्ति
जो केवल जीवन में सफलता या जीवन में केवल लक्ष्मी पाने के लिए व्यग्र है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भले ही सफलता दिखाई दे पर वो सफलता अंततो गत्वा उनको अंधकार और विनाश की दिशा में ले जाती। जब अंगद रावण की सभा से लौट करके आए और बंदरों को उन्होंने बताया कि रावण की सभा में मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरा चरण अगर तुम या तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति हटा देगा तो मैं सीता जी को हारता हूं, श्री राम लौट जाएंगे, तो बंदर चौंक पड़े, ये तो आपने बैठे बैठाए झगड़ा बोल दिया और प्रतिज्ञा की भी तो कितनी बिगट प्रतिज्ञा की, या इसके क्या अवश्य रावण ने चुनौती दी होती तो समझ में आता, पर आपको ये कहने की क्या आवश्यकता थी। अंगद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अंगद ने कहा कि वस्तुतः मैं रावण की वास्तविकता को संसार के सामने प्रकट करना चाहता था, या रावण को देख करके ऐसा भ्रम हो सकता है बहुत से व्यक्तियों के अंतःकरण में और अब भी होता है। कुछ लोगों की मान्यता होती है कि किसी भी पद्धति से सफलता प्राप्त कर लेना ही सर्वोच्च व्यक्ति की महानता का लक्षण है, और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी भी मार्ग से किसी दिशा में सफल हो जाता है तो लोग उसके प्रति नमन करते हैं कि ये व्यक्ति तो बड़ा सफल व्यक्ति है। पर अंगद ने कहा कि मैं बताना चाहता था कि रावण को देख करके भी भ्रम यही होता है कि वो सीता जी को लाने में समर्थ हुआ है, और सीता जी को लाने में समर्थ हुआ इसका अभिप्राय यह है अगर वे लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के रूप में उसने पा लिया है, अगर वो शक्ति है तो शक्ति के रूप में उसने पा लिया है, ऐसी स्थिति में रावण की अपेक्षा सफल व्यक्ति कौन हो सकता है। अंगद ने कहा रावण की गले खुल गई, क्या जब मैंने ये कहा कि मेरा पैर हटने पर सीता जी मिलेंगी तो रावण ने अगर सीता जी को पा लिया होता तो यही कहता कि बंदर तो मुझे क्या कह रहा है, वो तो मुझे पहले से ही प्राप्त है, ये तू क्या दाव लगा रहा। पर जब रावण ने राक्षसों से कहा कि तुम लोग इस बंदर का पैर पकड़ करके इसको दूर फेंक दो तो कलई खुल गई कि रावण भी जानता था कि मैंने पाया वाया नहीं है, केवल देखने में लगता है, नहीं तो प्रयत्न क्यों करते, जिसने पा लिया है वो किस बात के लिए प्रयत्नशील है, क्यों प्रयत्न कर रहा है। और अंगद से पूछा गया कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने में तो आपके लिए बड़ी चिंता का प्रश्न था, तो अंगद ने मुस्कुरा करके कहा मुझे क्यों चिंता हो, क्यों वो ये बताइए दाव पर जो वस्तु मैंने लगाई वो मेरी थी कि प्रभु की थी, मैंने तो सीता जी को दाव पर लगाया, अगर वो प्रभु की शक्ति है तो चिंता प्रभु को होनी चाहिए कि चिंता मुझे होनी चाहिए। तो एक पक्ष है अंगद का जो इस सत्य को प्रकट करते हैं कि वस्तुतः शक्ति ईश्वर की है, और वे जब प्रतिज्ञा करते हैं तो ईश्वर के बल का आश्रय लेकर के करते हैं, और जब संशय भ्रम या कपट के द्वारा छल के द्वारा हम सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन की परिणति लंका के रूप में होती है, एक पक्ष जीवन का ये, और दूसरा पक्ष वाटिका और बाग और वन। तो वाटिका और बाग जो है वो तो जनकपुर में, और ये जो वन है वो चित्रकूट में। सर्वोत्कृष्ट रामायण में जितने जितने स्थानों का वर्णन किया गया है उसमें सर्वोत्कृष्ट स्थान जो है वो चित्रकूट का है, और वहां सूत्र क्या आपको मिलेंगे, महाराज श्री जनक की वाटिका, और उस वाटिका के साथ साथ बाग, ये दो शब्दों का प्रयोग का आपने प्रसिद्ध शब्द सुना होगा, भगवान राम महाराज श्री जनक की उस वाटिका में गए। गोस्वामी जी ने उस प्रसंग में वाक्य लिखा कि भूप बाग बर देखे जाई, का भगवान श्री राघवेंद्र ने राजा जनक का बाग जाकर के देखा। अब जरा दृष्टि डालिए, इस वाटिका में सीता जी भी है और श्री राम भी इस वाटिका में आए हुए, और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर हम ये चाहते हो कि हमारे अंतःकरण की वाटिका में कह ईश्वर आवे, भक्त रूपा सीता आवे, तो हमारा कर्तव्य है कि
वाटिका पहले लगावे, प्रयत्न करें। सुंदर पुष्पों के पौधे को धीरे धीरे बीज के रूप में डालें, उन्हें अंकुरित दें करें, उन्हें सिंचाई होने दें और उसमें समय पर फूल खिले। मैं आशा करता हूं कि संक्षेप में कही गई इस बात को आप ध्यान से हृदयंगम करें। भगवान राम क्यों आए हुए हैं, वाटिका में आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? बोले सुमन चुनने के लिए। अब ये सुमन शब्द जो है, वाटिका होगी तो उसमें सुमन होगा, और सुमन जो है एक और फूल का नाम है, और दूसरी ओर सुमन का अर्थ है सुंदर मन। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर अपने हृदय की वाटिका में बुलाना चाहते हैं तो पहले अपने सुमन को तो खिलाइए। जहां सुमन खिले होंगे वहां पर आकृष्ट हुए श्री राम जो है स्वयं उन सुमनों का सदुपयोग करने के लिए पधारते। और फिर गोस्वामी जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया, ईश्वर और भक्ति का दोनों का मिलन उस वाटिका में होता है और इसी बाग में होता है। प्रभु आए हैं वाटिका के लिए और श्री सीता जी आई हुई है बाग के लिए। वाटिका में पुष्प खिले हुए हैं, सुमन खिले हुए हैं, और बाग में पार्वती जी का सरोवर के पास मंदिर है। पार्वती जी आई हुई है पूजन के लिए। और यहां पर जहां पर वाटिका और बाग का ये अद्भुत संयोग है, यही श्री सीता जी और श्री राम का मिलन होता है। अब गोस्वामी जी संकेत करते हैं वाटिका क्या और बाग क्या। तो उन्होंने पहली बात उनसे, जब उन्होंने लिखा कि रूप बाग बन, राजा के बाग में भगवान राम आए, तो पढ़ने वाले ने कहा महाराज लंका की वाटिका का नाम आपने इतनी बार लिखा, अरे ये तो बताइए कि जनक की वाटिका का क्या नाम था। तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि रावण जो है वो देह की वाटिका में बैठा हुआ और ये विदेह की वाटिका है, और नाम तो देह का ही होता है, विदेह का नाम थोड़ी होता है। जब भी नाम लिया जाएगा, ये नाम के प्रति रावण के मन में बड़ा पंडित था ना, तो नाम के चुनाव में बड़ा सावधान था। अशोक अपने वाटिका का नाम उसने कहा अशोक वाटिका है, पुत्र का जन्म हुआ तो कहा ये अक्षय कुमार है, और जब शंकर जी ने तलवार दी तो तलवार का नाम उसने रखा ये चंद्रहास, पंडित था। पर विचित्र बात क्या, अक्षय वो है जो दूसरों को मारे, अशोक वो है जो दूसरों को रुलावे, और चंद्रहास वो है जो दूसरों का सिर काट ले, तो इससे बढ़कर के नाम की विडंबना क्या होगी। इसीलिए हनुमान जी ने आकर के, चंद्रहास तो श्री सीता जी के सामने स्तंभित हो गया, पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अशोक बाग को उजाड़ दिया और अक्षय कुमार को मार दिया। किसी ने हनुमान जी से पूछ दिया कि महाराज आपने तो श्री सीता जी से केवल फल खाने के लिए पूछा था, आपने ये तो नहीं कहा था कि आप बाग भी उजाड़ देंगे, तो क्या आपने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया? आपने तो यही कहा कि सुनो मां तो मैं अतिशय भूखा और आप चले उलाए से बैठे बागा फल खाए से तो तोड़ ही लगा। हनुमान जी ने कहा भाई मैं तो गया था फल खाने के लिए, और इसीलिए आज्ञा भी मैंने फल खाने के लिए थी, तो बाग क्यों उजाड़ दिया? बोले वाटिका इस मां की आज्ञा से जब फल मैंने खाया तो फल खाने का ये फल हुआ कि मैंने बाग को उजाड़ दिया। फल खाने का फल माने हनुमान जी ने कहा मां के आशीर्वाद से भगवान की कृपा मिल जाए, वात्सल्य मिल जाए, और उसके बाद भी मोह का बाग न उजाड़ा जाए। मोह का बाग जो का त्यों बना रहे तो फल खाना किस काम का। भक्त देवी जब तृप्ति के लिए फल दे तो उसकी सार्थकता तो यही है कि हमारे अंतर जीवन में जो मोह की वाटिका है वो तो ज्यो की त्यों बनी हुई है तो उजड़ गई। हनुमान जी जाकर के अक्षय कुमार को मार करके का अशोक को उजाड़ करके मानो रावण को इसी सत्य का संकेत करना चाहते थे। रावण बहुत बढ़िया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, जब तुम अपने अंतःकरण में श्री राम को दूर किए हुए हो और श्री सीता जी को रुला करके तुम्हें संतोष का अनुभव हो रहा है, तो तुम जो है
जिसका वस्तुतः स्वयं शोक के पात्र बनोगे, स्वयं तुम्हारा विनाश होगा। और ये उनका एक पक्ष। और दूसरी ओर भगवान श्री राघवेंद्र जब यहां आए तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, भगवान राम किस ऋतु में आए? तुलसीदास जी ऐसी बातें लिखना बहुधा भूल जाते हैं या जानबूझ के नहीं, भूल कहना हो तो कि हमें विरोध की बात है वो जानबूझ के नहीं लिखते। कब तिथियों के विषय में वो बड़े कृपण है, बड़े संकोची है। तिथियों में एक जन्म की तिथि छोड़ करके और किसी तिथि का रामायण में वर्णन नहीं है, और ऋतुओं का वर्णन भी वो बहुधा नहीं करते। यहां पर भी उन्होंने बड़ी अपनी अद्भुत शैली का प्रयोग किया। उनसे पूछा गया, भगवान राम जब वाटिका में आए सुमन लेने के लिए तो कौन सी ऋतु थी? तो गोस्वामी जी ने कहा, बाहर कौन सी ऋतु थी इसका मुझे पता नहीं, पर भीतर कौन सी ऋतु थी इसका मुझे पता है। और ये बहुत बढ़िया बात, बाहर की ऋतुएं बदलती रहे पर भीतर ऋतु न बदले, ये आवश्यक। बाहर गर्मी आवेगी, सर्दी आवेगी, बरसात आवेगी, और हम लोग बाहर जब भटकते हैं तो इन तीनों के थपेड़े झेलते, लेकिन अगर हमारे हृदय में वैसा बाग बन जाए जैसा महाराज श्री जनक का बाग था, तो निश्चित मानिए बाहर की ऋतुओं का प्रभाव भीतर अंतर जीवन में, अंतर हृदय में नहीं होगा। पूछा गया, कौन सी ऋतु थी? तो भाई सुमन जो है सबसे अधिक खिलते किस में है? बसंत ऋतु में, ऋतुराज बसंत में उनकी सबसे अधिक शोभा। उसी राज ने तुरंत लिखा कि जब मैं गया और प्रभु के साथ बाग में मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वसंत ऋतु। किसी ने याद दिलाया, ये तो ठीक नहीं, क्योंकि श्री राम तो अगहन के महीने में विवाह हुआ, कार्तिक में बारात आई, तो भगवान राम तो शरद ऋतु में गए होंगे वाटिका में, ये आपने बसंत कहां से देख लिया? वो सब ये एक अनोखी पद्धति से कहा कि हुआ ये कि ये बसंत जो है सारे संसार के वृक्षों को नवीनता देता हुआ, जीवन देता हुआ का वो जब जनकपुर में आया और महाराज जनक के बाग को उसने देखा तो इतना आकृष्ट हुआ कि और बाग तो व्यग्र रहते हैं बसंत को बुलाने के लिए, पर इस बाग को देख करके बसंत ही इतना मोहित हुआ कि वो यहीं पर डेरा डाल के रह गया, बोले अब हम यहीं रहेंगे। वो सब जी का शब्द बात किए, भूप बाग बर देखे उजाई, जब बसंत ऋतु रही लो भाई। बहुत बढ़िया बात है। क्या बसंत ऋतु क्या है और इस बाग में बसंत ऋतु लुभा के क्यों रह गया? देखिए इस वाटिका में, ये वाटिका जो है जनक की तो ही है, पर ये श्री सीता जी की बड़ी प्रिय वाटिका है, ये भक्ति देवी की वाटिका है, भक्ति देवी का बाग है। और ये बसंत माने क्या होता है? का वसंत का रामायण में उसकी व्याख्या की गई, संत सभा चौदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समलाई। श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। तो उसका अभिप्राय यह है कि जहां पर भक्ति का उदय नहीं हुआ है वहां श्रद्धा को बुलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पर जहां पर भक्ति का उदय हुआ वहां श्रद्धा बिना बुलाए ही आ जाती है। और जब उन्होंने कहा कि बसंत ऋतु लुभाग करके रह गई, तो इसका अभिप्राय कि भाई बाहर दो महीने वाले बसंत से काम चलेगा, पर अगर श्रद्धा का भी दो मासी का बसंत मिला, कई लोगों के जीवन में दो मासी श्रद्धा होती है, आज श्रद्धा है और कल नहीं, बोले नहीं नहीं, बारह मासी श्रद्धा, शाश्वत श्रद्धा। इस बात का अभिप्राय यह है, यहां पर भक्ति देवी का निवास है और जहां पर आकृष्ट होकर के श्रद्धा भी स्वयं यहां पर विद्यमान है, और इस दिव्य बाग में भगवान श्री राघवेंद्र बिना किसी निमंत्रण के चले आए। और बहुत बढ़िया बात थी, भगवान राम ने बहुत से सुमन एकत्र किए और वो ले जाकर के गुरु जी के लिए दिए। भगवान राम से पूछा गया कि महाराज आपने तो सारे सुमन गुरु जी को दे दिए, आपने अपने लिए कोई सुमन नहीं लिया? तो प्रभु ने कहा कि नहीं, एक सुमन जो था वो तो मेरे ही भाग में पड़े। और वो सुमन कौन था? तुलसीदास ने कहा, भगवान श्री राघवेंद्र जिसमें श्री सीता जी के मुख को देखते हैं और वो बोलने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा ये भौरे की गुंजार है। और ये भौरे की गुंजार कैसा है?
उन्होंने कहा कर तो बतक रही अनुज सन मन सी रूप लुभान और मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपुर लोपान। श्री सीता जी का मुख ही कमल है और भगवान भ्रमर है। भगवान श्री राम ने कहा बहुत से सुमन मिले पर श्री सीता जी के मुख कमल का सुमन जो था उत्तर देती है। और उसका अभिप्राय यह है मन के सारे ही भाव कल्याणकारी है लेकिन जब मन के में भक्ति देवी का उदय हो तो ईश्वर बिना निमंत्रण के चला आता है, ईश्वर बिना बुलाए चला आता है। जैसे पुष्प की वाटिका कभी भोरे को निमंत्रण नहीं देती लेकिन वो भोरा स्वयं उसकी सुगंध से आकृष्ट होकर आता है। जैसे कमल भ्रमर के पास निमंत्रण पत्र नहीं भेजता पर भ्रमर स्वयं उसके पास आ जाता है, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में भक्ति का उदय हो, श्रद्धा का उदय हो, सुमन खिले हुए हो, ऐसा अगर ऐसी वाटिका हम अपने अंतःकरण में लगावे तो प्रभु आवेंगे। और प्रभु आकर के तो वहां फल भी बड़े सुंदर थे, का फूल भी बहुत सुंदर थे, पत्ते भी बड़े अच्छे थे, पर प्रभु ने फल नहीं लिया, सुमन लिया। हनुमान जी गए तो उन्होंने फल लिया और प्रभु गए तो उन्होंने सुमन लिया। प्रभु से पूछा गया इसका तात्पर्य क्या, प्रभु ने कहा कि भक्तों के लिए मैं फल दे रहा हूं और स्वयं सुमन ही हमको चाहिए, बस अपना मन हमको दे दीजिए और कुछ देने की आवश्यकता नहीं और किसी फल की कोई अपेक्षा नहीं। और सचमुच भगवान श्री राघवेंद्र जब उस वाटिका में जाते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं चहुदिसी चितई पूछ मालीगण लगे लेन दल फूल मुदित मन, भगवान श्री राघवेंद्र बड़े प्रेम से उस वाटिका के सुमनों को संचित करने लगे। भगवान श्री राम के पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं। जब भगवान राम किसी पुष्प के पौधे के पास जाते हैं और उस खिले हुए फूल को कलिया लेते हैं तो कलिया उदास हो गई, आज आए हैं पता नहीं कल आएंगे कि नहीं, और हमारा हृदय तो विकसित था नहीं, हमारा सौरभ तो विकसित था नहीं, तो प्रभु ने भी हमें नहीं छुआ, आए प्रभु दर्शन हुआ पर हमारा कितना दुर्भाग्य है कि प्रभु ने हमें अपने दोने में स्थान नहीं दिया। लेकिन पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं और ये लक्ष्मण जी की भूमिका संत की भूमिका है। ईश्वर ने खिले हुए सुमनों को स्वीकार किया लेकिन लक्ष्मण जी कलियों के भावना को समझ गए और उन्होंने जो कलियां थी उनको तुरंत पौधों से ले लिया और लक्ष्मण जी ने कलियों को दोने में सजाया। पूजन में तो खिला हुआ फूल चाहिए, कलियों का प्रयोग तो किया नहीं जाता, पर लक्ष्मण जी ने इसका अभिप्राय है भगवान जिसे कृपा करके अपनाना वो तो धन्य है ही, पर संत जिसको अपना ले वो भगवान की कृपा की अपेक्षा भी अधिक सौभाग्यशाली। और यही हुआ, वो खिले हुए सुमन थे, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं जिनके हृदय में भावना छिपी हुई है का वो खिले हुए भले ही न हो पर वस्तुतः हम तो ये जानते हैं ना कि तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति कितनी प्रीति है, कितना तुम्हारे मन में अंतःकरण में आकर्षण है। और परिणाम क्या हुआ, दोनों भाइयों के हाथ में एक के फूल खिले हुए फूल, दूसरे में कलियां, और उसके बाद लक्ष्मण जी ने प्रभु से अनुरोध किया, जरा संकेत किया, जरा चल के कुंज में लता कुंज में विश्राम तो कर लीजिए। और भगवान श्री राघवेंद्र लता कुंज में चले गए। आइए वो लता कुंज बनावे कि जिस लता कुंज में वाटिका में आने के बाद भगवान जाएंगे। और वो लता कुंज कौन सा है, वो स्वामी जी ने कहा जहां पर वृक्ष और लताएं दोनों लिपटी हुई है उससे कुंज बना हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो सद्गुण है पुल्लिंग के शब्द है वो मानो वृक्ष है और उसमें लताएं जो लिपटी हुई है कौन है, वो क्षमा दया दम लता बिताना, यहां पर दम का वृक्ष है और क्षमा दया की लताएं जहां लिपटी हुई है। हमारे अंतःकरण में जब दम का उदय होता है, क्षमा दया की वृत्ति का उदय होता है तो स्वयं उस लता कुंज में प्रभु पधारते हैं। और पधारना स्वाभाविक था, क्या अभी तो पुष्प चुन रहे थे और लता माने एक संकेत, लता वृक्ष का संकेत माने, वृक्ष अलग हो लता अलग हो तो भी शोभा है,
लेकिन जब वृक्ष लता का आश्रय लेकर के कुंज की रचना कर दे तो अद्भुत शोभा। मानो यहां पर वही संकेत आता है जो चित्रकूट में एक दिन आया था, का वृक्ष और लता दोनों के द्वारा बना हुआ था मंडप। भगवान राम ने देखा और श्री सीता जी से कहा कि प्रिय देखो तो ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है कि लता ने अपने पत्तों से इसे ढक दिया और कितना सौंदर्य बढ़ा दिया। बिना लता के वृक्ष के सौंदर्य में बड़ी कमी थी। भाग्यशाली था वृक्ष जिसको लता ने आच्छादित किया और श्री सीता जी ने उसको उलट दिया प्रेम की भाषा में। उन्होंने कहा नहीं, पर मुझे तो लगता है कि भाग्यशाली तो ये लता है जिसको वृक्ष ने ऊपर उठा दिया, नहीं तो नीचे तो उसको पशु भी चर सकता था, इसलिए सौभाग्यशाली लता। वस्तुतः लता और वृक्ष के प्रतीक बन गए भगवान राम और सीता। भगवान राम अपनी कल्पना वृक्ष के रूप में करते हैं और श्री सीता जी अपनी कल्पना अपनी अपने विषय में भावना जो बनाती है वो लता की। भगवान राम का संकेत था आपको पाकर के मैं धन्य हो गया, मैं सौभाग्यशाली। और सीता जी कहती है कि नाना आपको पाकर के मुझे आपने आश्रय दिया तो मैं धन्य हो गई। निर्णय कैसे हो कि वृक्ष सौभाग्यशाली की लता? तो लक्ष्मण जी की ओर दोनों की दृष्टि गई। दोनों ने लक्ष्मण से पूछ लिया अब तुम निर्णय करो कि वृक्ष अधिक सौभाग्यशाली है कि लता। लक्ष्मण जी ने कहा दोनों बिल्कुल बराबर सौभाग्यशाली है, दोनों में कोई कम बेस नहीं है, दोनों भाग्यशाली है। लेकिन प्रभु तीसरा जो है वो इन दोनों से भाग्यशाली है। कौन? बोले वो पथिक जिस पर लता और वृक्ष मिलकर छाया किए हुए हैं, वो जितना सौभाग्यशाली है उतना सौभाग्य और किसी का नहीं। प्रभु का लक्ष्मण का संकेत अपने और था कि आप दोनों के स्नेह का वरद हस्त जो मेरे ऊपर है, मैं जितना धन्य हो गया उतनी धन्यता और कहां पर होगी। और सचमुच यहां पर सांकेतिक प्रतीक वही बना। विवाह होने वाला है, भगवान राम सुमन लेने के लिए आए हुए हैं और लक्ष्मण जी जब उनको लता कुंज में ले जाते हैं तो जहां पर मिलन का दृश्य है, भक्ति और भगवान के मिलन का प्रतीक बना हुआ है, लक्ष्मण जी वही ले जाते हैं। और ले जा करके का लक्ष्मण जी जो कलियां ले आए थे भगवान के माथे में लगे सजाने, कलियां मुस्कुरा पड़ी। अरे हम तो समझते थे कि हमारा क्या उपयोग है, पर लक्ष्मण जी ने कहा वो फूल तो किसी मूर्ति पर चढ़ेंगे पर हम तो तुम्हें प्रभु के मस्तक पर ही चढ़ा देते हैं तुम्हारे अंतःकरण की भावना। और इस तरह से जहां सुमन होता है, क्षमा दया होती है, जहां भक्ति और श्रद्धा होती है, ये साधना के द्वारा अगर हम पाने का प्रयत्न करें तो मानो हमारा अंतःकरण परिवर्तित होकर के वाटिका बन गया या बाग बन गया। और जब हमारे अंतःकरण की वाटिका में सुमन खिलेंगे तो प्रभु पधारेंगे। हमारे बाग में अगर पार्वती जी का मंदिर होगा, पार्वती जी की मूर्तिमती श्रद्धा है, तो भक्ति देवी पधारेंगी और इसी वाटिका और बाग में भगवान और भक्त का मिलन होगा। लेकिन इस वाटिका और बाग की अपेक्षा भी जो और उत्कृष्ट है वो है चित्रकूट, यह है वन। और इसका अभिप्राय यह है कि साधन से बनाया गया हुआ नहीं, अंतःकरण की जो सहज प्रेम की स्थिति है ये चित्रकूट में दिखाई देती है। और यहां जो मिलन होता है वो मिलन सचमुच इतना अद्वितीय था। बस वहां पर शुद्ध जो वृक्ष है, लता है, जो दृश्य है, क्या है, गोस्वामी जी एक ही शब्द बार बार दोहराते हैं, कहत सप्रेम लाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुना था, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। ये प्रेम प्रेम प्रेम, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग भम तीरा, बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख। यह श्री भरत और श्री राम का मिलन होता है। श्री सीता जी यदि मूर्तिमति भक्त है तो श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है। भरत ही कहे सराही सराही और राम प्रेम मूर्ति तनुवाही। इस चित्रकूट के इस वन में मिलन हो रहा है प्रेम और प्रभु का, प्रेम और ईश्वर का, और ऐसा मिलन हुआ। फिर गोस्वामी जी ने लिखा, किसी ने कहा कुछ बताइए तो ये लोग तो बोले ही नहीं रहे। गोस्वामी जी ने कहा मैं क्या लिखूं, परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। वाटिका में सुमन है लेकिन यहां पर न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, किसी की सत्ता नहीं है,
और शब्द समाप्त हो गया। क्या बोले को कछु कहई लोको कछु पूछा और प्रेम भरा मन निज गति छूछा। जब पूर्ण प्रेम का उदय होने के बाद शब्द की गति समाप्त हो जाती है, भगवान राम और श्री भरत का मिलन हुआ इस वन में। और इसका अभिप्राय यह है हमारे अंतर जीवन में सुंदर मन खिले तो वाटिका है, भक्ति और भगवान का मिलन हो तो बाग है, और हमारे अंतर हृदय में प्रेम और प्रभु का मिलन हो तो प्रेम और प्रभु के मिलन का अभिप्राय है। अंतःकरण में ऐसी विस्मृति कि रामायण तुलसीदास जी यही समाप्त करने को बाध्य थे, लेकिन वो तो कृपा कर दिया केवट ने। दोनों भाई प्रेम में डूब गए और डूबे हुए को निकालना तो केवट का काम ही नहीं। तो केवट ने तुरंत कहा, तेही अवसर केवट धीरज धरि जोरी पान बिनवत प्रणाम करे नाथ साथ मुनि नाथ के। महाराज और लोग भी आए हुए, उसका अभिप्राय कि प्रेम और प्रभु जब मिलते हैं तो कुछ करने को बाकी नहीं रहता। पर बुद्धिमान केवट कहता है कि नहीं प्रभु, आप दोनों ही मिल करके रह जाएंगे तो ये प्रेम रस बटेगा कैसे, और तब जो है प्रभु अन्य सभी लोगों से मिलकर के दिव्य रस का संचार करते हैं। वो स्वामी जी सूत्र देते हुए कहते हैं कि भाई आइए, हम कथा श्रवण तो करते हैं पर चित्रकूट का भी तो निर्माण करें और चित्त को शांत करें, विक्षेप से दूर करें, और उसके साथ साथ वाटिका लगावें, बाग लगावें, और अंत में जब प्रेम का वन हमारे अंतर हृदय में बनेगा तो प्रेम के वन में श्री सीता जी और श्री राम का विहार होगा। सो भाई हम लोग इन 9 दिनों तक चित्रकूट में विहार करते रहे, अगर हमारा चित्त अचल था, हमारे मन में प्रेम था, कथा की मंदाकिनी बह रही थी, तो हम लोगों ने इस कथा रस का पान किया, और मुझे विश्वास है कि हम लोगों के अंतर हृदय में श्री रघुवीर विहार नित्य जो है श्री सीता जी और श्री राम का विहार होगा। मैं आप सभी लोगों के प्रति और बिरला दंपति के प्रति हार्दिक साधुवाद देता हुआ इस प्रसंग को विराम देता हूँ। या सुनाम भव भेषज हरल घोर त्रैशूल सो कृपालु मोहि तोहि पर रहउ सदा अनुकूल सियावर राम।